हमारे यहाँ बीच में चल रहा है सत्र कहानियों का, लेकिन अपरिहार्य कारणों से दो कविताएं प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। पहली है राधिका इंगले की, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आए और मंच पर अपनी कविता साझा करें। मंच पर उपस्थित सभी सुधीर जन और हॉल में उपस्थित सभी साहित्यकारों का वंदन। हम लोगों ने हमारे नानी दादी को चूल्हा फूंकते देखा, तब आज ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए बहुओं को देख रहे हैं। इसलिए उसी संदर्भ में कविता प्रेषित है, बहू की गृहस्थी। हाँ जी, बहू की गृहस्थी। सास अपनी गृहस्थी में जीती है, वो चाहती है कि बहू भी उसकी गृहस्थी में जिए, परंतु तो ऐसा संभव नहीं। होते हैं कुछ कानून कायदे, होते हैं कुछ कानून कायदे और तौर तरीके, होते हैं कुछ कानून कायदे और तौर तरीके बहू की अपनी भी गृहस्थी के। बस ढालते जाओ उन्हें अपने वजूद में, बस ढालते जाओ उन्हें अपने वजूद में, चल निकलेगी जिंदगी सुकून से। नहीं तो फिर अगर अपने वजूद में नहीं डाला तो फिर क्या होगा आप जानती हैं। हाँ, बस ढालते जाओ उन्हें अपने वजूद में, चल निकलेगी जिंदगी सुकून से। जब तक कुछ नया सीखने की ललक तो होती है, जब तक कुछ नया सीखने की तलब ललक तो होती है, बस नया सबक समझ उन्हें अपनाते जाओ। बहू की गृहस्थी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या जो कुछ भी है, उन्हें नया सबक समझ अपनाते जाओ। खान पान के तौर तरीके भी सीखने समझने की जगहें तो सीखने समझने की जगहें तो बदला करती ही है। पहली क्लास में पढ़ा, अगली क्लास में पढ़ा, जगह बदली। सीखने समझने की जगहें तो बदला करती है। एक नए दर्जे की तालीम समझ चढ़ते जाओ। इस दर्जे की तालीम, अगले दर्जे की तालीम समझकर आगे बढ़ते जाओ। क्या फर्क पड़ा है नए तौर तरीकों में तोड़ा कोर रोटी का घुमा फिरा कर निवाला समझ करते जाओ। तौर तरीके बदल गए, हाथ से खाते थे, चम्मच से खाने लगे, फोक से खाने लगे और अब चॉपस्टिक से खा रहे। क्या फर्क पड़ा है नए तौर तरीकों में तोड़ा कोर रोटी का घुमा फिरा निवाला समझ करते जाओ। इबादत की न्यामत समझ कर कबूल बदलाव जिंदगी के चंद पल सुकून से गुजारते जाओ। बस बहू की गृहस्थी को अपनाते जाओ। थैंक यू, धन्यवाद राधिका जी। हमें हमारी अगली प्रस्तुति के लिए मैं अरुणा जी खंडोनकर को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार। आज इस आयोजन में रमा साहित्य मंच और रमासान.com उनके मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ मेरे विचार कविता के द्वारा आप तक पहुँचाने का सुअवसर प्रदान किया। अभी प्रश्नों की बात चली थी कि बहुत सारे प्रश्न हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। कविता का शीर्षक है प्रश्न पुरातन। गोमुख के पानी सा बहता, शतकों से जो साथ में चलता, गोमुख के पानी सा बहता, शतकों से जो साथ में चलता, प्रश्न पुरातन, प्रश्न सनातन, प्रश्न चिरंतन। दादी ने पर दादी से, नानी ने पर नानी से, अभी भी कायम है जो कि
अधुनातन पोती ने पूछा, अधुनातन नातिन ने पूछा, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, क्यों ईश्वर ने उसे रचा, क्यों ईश्वर ने उसे रचा, क्यों दी इतनी सुंदरता, क्यों दी इतनी सुंदरता, क्यों है दुष्ट मानसिकता, अपने मन को कुचल कुचल, क्यों जीवन की उथल पुथल, पांचाली ने कुरु सभा से, पांचाली ने कुरु सभा से, सीता ने अग्नि परीक्षा से, प्रताड़ना के बाद में, भर्त्सना के बाद में, भर्त्सना के बाद में पूछा, पूछा बारंबार पूछा, होकर तार तार पूछा, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, कुंडली में जो सर्प योग सा, कुंडली में जो सर्प योग सा, भोग भोग और दुख भोग सा, अनिष्ट ग्रह के लगे रोग सा, अनिष्ट ग्रह के लगे रोग सा, प्रसन्नता को डसने वाला, हंसी खुशी को ग्रसने वाला, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, दूध मुही अभी खिली कली, जिस दिन निर्भया कांड का निर्णय आया था, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब आया था भास्कर में अगले पन्ने पे वो था, और बीच में एक पन्ने पर 4 वर्ष की बच्ची को अगवा कर लिया गया था भोपाल में। तो दूध मुही अभी खिली कली, दूध मुही अभी खिली कली, अनजान जाल में फंसी मिली, दुनियादारी की सीख मिली, देवी वंदन देवी वंदन, कन्या पूजन प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, लक्ष्मण रेखा और मर्यादा, स्थान काल आयु नाता, स्थान काल आयु नाता, काम न आती कोई बाधा, मानवता का नियम सादा, अभी कहा गया कि मनुष्य समझिए हमें, तो मानवता का नियम सादा, अनपढ़ और पढ़े लिखों ने अज्ञानी विद्वानों से, जाने अनजानों से, समवेत सुरों में सबने पूछा, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, प्रश्न चिरंतन, घृणा जनित सा, दुख दुरित सा, अश्रु पूरित सा, अनुत्तरित सा, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, प्रश्न चिरंतन, गोमुख के पानी सा बहता, शतकों से जो साथ में चलता, प्रश्न पुरातन प्रश्न सनातन, दादी ने परदादी से, नानी ने परनानी से, अभी भी कायम है क्योंकि अधुनातन पोती ने पूछा, अधुनातन नातिन ने पूछा, प्रश्न पुरातन। धन्यवाद। अब जब 2 कविताएं हो ही गई हैं, तो हमारी अतिथि ने भी आग्रह किया है कि वे एक छोटी सी कविता सुनाना चाहेंगी, सुषमा जी। एक छोटी सी कविता आपको सुना के जाना चाहती हूँ कि मैं दीदी ने उसका जिक्र किया था, तो मेरा मन था कि मैं सुनाऊँ। लो फिर आ गई अश्लील अभद्र अनुशासनहीन अभिमानी, ये आज की औरत, इसको सब करना है, इसको सब करना है, वो भी अपनी पसंद का, कपड़े अपने ढंग के, जीवन साथी अपने मापदंड का, काम अपने मिजाज का, और नाम अपनी शर्तों पर, और उस पर हद देखो मर्दों से बराबरी की बात करती है, और उस पर हद देखो मर्दों से बराबरी की बात करती है, ये उल्टा ये कुलच्छनी ये कलंकनी जात बिगाड़ रही है सारी की सारी, जरा बाहर तो करो इसे बिरादरी से, और यूं हैरान सा क्या देखते हो कि करना क्या है, बस बलात्कार। मैं रामा साहित्य मंच का और ghamasan.com का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मंच हमें दिया बोलने के लिए, बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.